लग जाते उसमें फूल फुली आता हूँ तो फिर तो जल्दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अनवर राणा, तुसी देख रहे हो आर एस मुल्तान व्लॉगर चैनल। आज जनाब असी आए हैं भाई जी होरों को, जनाब शहद की मक्खियों का काम करते हैं। यह पिछे तुम दिखा रहे थे असी इन्हों के शहद के छत्ते ने मौजूद जो कि डब्बे ने, इन्हों लाने गपशप। उम्मीद है अज का विलाग तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम भाजी। ये थोड़ा फैशन शौक है या वैसे कारोबारी काम करते हो? बस कारोबार के लिए भी काम करते हैं। अच्छा। शौक भी है। अच्छा, तो शहद की मक्खी किस तरह हासिल करते हो बाजार चो? फार्मिंग इसकी किस तरह कर सकते हैं असं? मतलब ये जी फार्म तो मिलते हैं। अच्छा, जिस तरह मुर्गी फार्म तो मुर्गियाँ मिलती हैं। अच्छा, ये फार्मिंग वास्ते नर मादा दोनों लेनी पैंदी है या एक मलका मक्खी होंदी है? नहीं नहीं, मलका होंदी है तो उस बाद खुद पैदावार अगो वधदी है। अच्छा, तो सर ये इसकी कोई पैदावार का कोई तनासब दसोगे सानू? अगर साडे को वीवर ये काम करना चाहन इसका की तरीकाकार है? इसका तरीकाकार है जी, पहले मक्खियाँ पेटिस में तो सिला सो। अच्छा, उस तो बाद फिर तुसी अगे खुद पैदावार बताई जा सो। सर तो सर ये मो फुलां दी सीजन च ज़्यादा पैदावार देंदे ने या आम हालात दे विच, क्योंकि फार्मिंग तो दे जदीद तरीके ने, तो ये सर थोड़ी पैदावार दे बारे सानू दसो। सर पैदावार दी है ना जी, तुसी जिन्नी खुराक देसो पैदावार वधेसो। अच्छा सर, इन्हां नू खुराक भी देनी पैंदी? खुराक क्योंकि जदों धुंद पैंदी है, बारिशां पैंदियां, फिर बच्चियां दी पैदावार, खुराक तो होर हुंदी कोई नहीं सर। फिर इन्हां नू शीरा देसो जी, ते सब कुछ तुसी अपनी पैदावार वधेसो। सर ते इन्हां नू फुल भी खुराक ही देंदे हो या सिर्फ शीरा देंदे हो मिठास वास्ते? ओ शीरा देने आ जब जबके तुस ना अपना धुंद पैंदी है, बारिश हुंदियां, बहर मक्खी बहर नहीं जा सकती सर, तो उस तो बाद फिर इन्हों की खुराक न बच्चों की पैदावार वधावन लई, बच्चे कमजोरी तो मरे ना जी। तो सर पिछे तुसी देख रहे हो इन्होंने डब्बे रखे ने। सर ये दसो भी एक डब्बे च तनासिब कितना औसतन शायद पैदा हो जाता है तो किन्ने दिन पैदा हो जाता है? ये कम अज कम मौसम होवे तो फिर तो 15 दिन तैयार होंगे जी। कम अज कम एक पेटी चू 5-6 किलो 5.5 किलो शायद निकल, अगर एवरेज अच्छी हो तो मक्खी की। अच्छा सर, ये दसो भी ये आम नॉर्मल लोग भी काम कर सकते हैं या सिर्फ पेंडू बंदा ही दिल वाला बंदा काम कर सकता है या कुछ शहरी कोई मम्मी डैडी बच्चे भी काम कर सकते हैं? नहीं, शहरी जेडे होंदे ना मम्मी डैडी वो तो फिर डर तू तो मुश्किल कर सकते। अच्छा, ये सर मक्खियां तो नुकसान नहीं पहुंचांदियां? नहीं, नुकसान तो पहुंचांदियां, फिर असी अपनी हिफाजत करने। अच्छा, हिफाजती लिबास पाना पैंदा सर? हां, जेड़ा मैं पाए होया। तो सर इन्हां दी फार्मिंग दी की ओ डेट केड़ी हुंदी अगर साडे वीवर काम करना चाहुंदा? ये सीजन केड़ा हुंदा है, कोई गर्मी दा तनासब हुंदा है या सर्दी दा हुंदा है? सब तो पहलू तो भाईजान जेड़ा फार्म लियो से ना दोनों मक्खी जद मौसम होसी ना अनजान बंदे नहीं देन लगे जी जी, जिस बंदे नू जान पहचान होसी तो फिर वो जरूर देसन, क्योंकि जिस तरह मैं सारा काम जानना जी जी उसी तरह भाई मेरे जान पहचान जी, तो जो मौसम होंदी है ना 8वें महीने तो 10वें तक फिर ये बहुत महंगा शायद होंगे बेरी वाला। तो सर ये दसो एक डब्बे दे विच किन्ने फ्रेम करते हो? एक डब्बे च 9 फ्रेम कर। 9 फ्रेम ते मलका किन्नी होंदियां ने? मलका एक होंदी। एक मलका होंदी, अगर डबल मलका पैदा होसी तो फिर निकल सी। अच्छा, ते औसतन एक डब्बे चो कितनी औसत पैदा हो जाती है शायद दी? ओ 5-6 किलो। ते ए सर तुसी सेल करदे हो ये शायद अपना केड़ा बेर दा शायद ज्यादा बिकदा है या सरसों दा? नहीं नहीं नहीं, सरसों वाला तो असीं देंदे नहीं आ क्योंकि वो जम होंदा। अच्छा, ते जेड़ा बेर वाला होंदा वो ग्रंटेड। अच्छा जी, नाज़रीन तुसी देख रहे सी अज दा विलाग है भाई होरां दे नाल, इन्हां ने सर फार्म कीता होया शायद दी मक्खियां दा, तो वो तुहानू असीं दिखा रहे सी बड़े नज़दीक तो। उम्मीद अज दा विलाग तुहानू बहुत ही अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छी लगे तो साढ़े चैनल आर एस मुल्तान नू जरूर सबसक्राइब कर देना ते नाल ही बैल दा आइकन दबा देना। असीं भाई जी होरां दा बहुत शुक्रिया अदा करने हां जिन्हां ने सानू बहुत ही मुफीद मालूमात दित्ती शहद दी मक्खियां दे बारे च। हुण असीं तुहाडे कोलों चाहांगे इजाजत, अपना ख्याल रखना जी, अल्लाह हाफिज़।